संविधान दिवस के 75 साल पूरे होने पर दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई मंत्री और सांसद मौजूद रहे। 1949 में आज ही के दिन संविधान को अंगीकृत किया गया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। इसके साथ ही संविधान पर दो पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। राष्ट्रपति ने संविधान का संस्कृत और मैथिली संस्करण भी जारी किया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए संविधान को देश का सबसे पवित्र ग्रंथ बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। अवसर के भागीदार भी बन गए हैं और साक्षी भी। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। उस दिन संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियम किया और आत्मार्पित किया था। हमारे संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। यह देश का सौभाग्य है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान निर्माण की यात्रा का मार्गदर्शन किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रगतिशील और समावेशी सोच की छाप हमारे संविधान पर अंकित किया है। संविधान सभा में बाबा साहेब के ऐतिहासिक संबंधों से ये तथ्य स्पष्ट होता है कि भारत लोकतंत्र की जननी है।